नगर पालिका निगम भिलाई ने संपत्ति कर भुगतान करने पर नागरिकों को 4% विशेष छूट का प्रावधान किया है। 30 सितंबर तक नागरिक अपने भवन तथा व्यवसायिक भूखंड का संपत्ति कर का भुगतान कर 4% छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक 2000 के नोट से भी टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम आयुक्त तो रोहित व्यास ने निगम की राजस्व वसूली के लिए SPS ठेका कंपनी को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा है कि निगम क्षेत्र में बने नवीन भवन तथा नवनिर्मित तलों की गणना कर टैक्स का निर्धारण कर मांग पत्र भेजा जाए और टैक्स जमा कराया जाए। 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कर नागरिक 4% तक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट बाजार में चलन से बाहर हो जाएंगे। निगम ने नागरिकों से कहा है कि अपने संपत्ति कर का भुगतान 2000 के नोट से भी उनके द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संपत्ति कर राशि जमा करने पर नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा शहर के नागरिकों को मंथ वाइज अलग अलग छूट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 सितंबर तक अगर शहर के नागरिक अपना भवन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संपत्ति कर जमा करते हैं तो 4% का छूट उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट को 30 सितंबर के बाद बंद करने की घोषणा किया है जनवरी में। तो नगर पालिका निगम भिलाई शहर के नागरिकों से अपील करता है कि आप 2000 के नोट से भी यहाँ टैक्स जमा कर सकते हैं और अपने संपत्ति कर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी ने नगर के नागरिकों से अपील किया है कि वे शीघ्र अपना संपत्ति कर जमा करके 4% छूट का लाभ उठाएं। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम क्षेत्र के करदाताओं से अपील की है कि अपने आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का स्वविवरणी के माध्यम से नवीन मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति कर की राशि 30 सितंबर तक जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भवनों में तलों का विस्तारीकरण की जानकारी भी स्वविवरणी में अवश्य दें ताकि भविष्य में जांच के बाद लगने वाले अधिभार से बचा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।